नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और अच्छी खबरें लेकर आए हैं, तो चलेंगे सारी बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले, अगर आप कल रात मोदी के कहने पर दिया या टॉर्च जलाएंगे तो अपनी हाजिरी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और साथ ही अगर आप मोदी जी का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते हैं पहली बड़ी खबर, जहां पे आपको हम पहली बड़ी खबर बताएंगे कि कोरोना से बचाव में जुटे सभी कर्मियों का बीमा कराएगी योगी सरकार। जी हां दोस्तों, और किस तरह से कराएगी बताएंगे आपको दूसरी खबर में बताएंगे, जहां पर मजदूरों पर केमिकल छिड़कने वालों के मामले में क्या कार्रवाई अभी तक हो पाई है। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे, जहां पर सिर्फ घरों की लाइटें स्विच ऑफ करनी है, उसके अलावा क्या नहीं बंद करना है। चौथी बड़ी खबर में बताएंगे, जहां पर लॉकडाउन हटेगा या नहीं हटेगा, सीएम योगी के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने क्या जवाब दिया है लॉकडाउन को लेकर। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, जहां पर रेलवे से रिलेटेड बताएंगे कि 15 तारीख के बाद जो रेल खुलेगी तो कौन कौन से ट्रेन चलेंगी, उनका टाइम टेबल क्या होगा। साथ ही आपको फ्लाइट के बारे में बताएंगे कि फ्लाइट की बुकिंग कब से स्टार्ट होगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक, बीच में बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो आप हो सकते हैं किसी जानकारी से लेस हो जाएं। तो चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कोरोना से बचाव में जुटे सभी कर्मियों का बीमा कराएगी योगी सरकार। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव में जुटे सभी कर्मचारियों का योगी सरकार बीमा कराएगी। प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से जंग में प्रत्येक कर्मचारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस तरह केंद्र सरकार ने इस मुहिम में शामिल मेडिकल क्षेत्र से जुड़े समस्त कर्मियों के लिए बीमा योजना लागू की है, उसी तरह प्रदेश सरकार भी इस महामारी से बचाव में लगे प्रशासन, पुलिस और सभी फील्ड कर्मचारियों का बीमा कराएगी। हमारे मीडिया कर्मी से बातचीत में मुख्य सचिव ने कहा है कि तबलीगी जमात में शामिल जो भी व्यक्ति प्रदेश में आया है, उन तक पहुंचने और उनके संपर्क में आए प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश हो रही है, उनकी जांच की जा रही है, सभी लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है। कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए प्रत्येक केस को आइसोलेशन व इलाज के जरिए बढ़ने से रोका जाएगा। तो दोस्तों, कर्मियों के बीमा कराने से आप सही मानते हैं तो लिख के बताइएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मजदूरों पर केमिकल छिड़कने के मामले में दो दमकल कर्मी को निलंबित कर दिया गया है। विभागीय जांच के बाद एसएसपी ने दिए हैं ये आदेश। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें, जहां हमने आपको पिछले दिनों दिल्ली एनसीआर से घरों को लौटे मजदूरों को सैनिटाइज करने के नाम पर बरेली के सैटेलाइट बस स्टैंड पर बैठाकर दमकल कर्मियों ने केमिकल का छिड़काव कर दिया था, जिसके बाद मीडिया कर्मियों के द्वारा छपी खबर पर विपक्ष के बड़े नेताओं ने बरेली पुलिस प्रशासन पर निशाना साधा था। मामले की जांच के बाद एसएसपी ने दो कर्मचारियों को निलंबित करने का आदेश दिया है। शहर में सैनिटाइजेशन कर रही फायर ब्रिगेड की टीम ने बसों के इंतजार में उमड़े मजदूरों, महिलाओं और बच्चों को बैठाकर उनके ऊपर केमिकल युक्त छिड़क दिया गया था। तो दोस्तों, इन दोनों दमकल कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, तो आप इसको सही मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सिर्फ घरों की लाइट ही स्विच ऑफ करनी है, स्ट्रीट लाइट और घरेलू उपकरण बंद नहीं होंगे। जी हां दोस्तों, ये बिजली मंत्रालय की तरफ से बड़ा आदेश आया है। आपको बता दें कि जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 मिनट की लाइटें बंद करने की अपील से बिजली ग्रिड फेल होने की आशंकाओं पर बिजली मंत्रालय ने बयान जारी किया है। मंत्रालय ने कहा कि पीएम मोदी ने 5 अप्रैल को रात 9 बजे से 9:09 तक के बीच स्वेच्छा से लाइट बंद करने की अपील की है। कुछ आशंकाएं व्यक्त की गई है कि इससे ग्रिड और वोल्टेज में उतार चढ़ाव हो सकता है, जो बिजली के उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसी आशंकाएं गलत हैं। बिजली मंत्रालय ने आगे ये भी कहा है कि स्ट्रीट लाइट या घरेलू उपकरणों को बंद करने के लिए नहीं कहा गया है, केवल घरों की लाइटों को बंद करना है। अस्पतालों और अन्य आवश्यक जगहों पर लाइटें जलती रहेंगी। स्थानीय निकायों और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए स्ट्रीट लाइट रखने की सलाह दी गई है। तो दोस्तों, आप लोग भी सिर्फ घर की लाइटें बंद करें, और भी किसी उपकरण को बंद करने की जरूरत नहीं है, जैसे टीवी, फ्रिज, पंखा, कुछ भी उसको बंद ना करें, सिर्फ और सिर्फ लाइट बंद करें और अपना दिया, टॉर्च या मोबाइल का फ्लैश लाइट जला सकते हैं। और आप लोगों में से कितने लोग जलाने वाले हैं जरूर लिखकर बताइएगा। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर लॉकडाउन हटेगा या नहीं हटेगा, सीएम योगी के बाद जाने क्या काम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा है कि राज्य में लॉकडाउन 14 अप्रैल के बाद हटेगा या नहीं, ये लोगों द्वारा सरकारी निर्देशों के अनुपालन पर निर्भर करेगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी
योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर 15 अप्रैल से लॉकडाउन खुलता है तो हालात बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे, ऐसे में चरणबद्ध तरीके से इसे खोले जाने की योजना बनाएं। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है, अलग वार्ड में रखे तबलीगी जमात के सदस्यों ने अंडा करी और बिरयानी के लिए काटा हंगामा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बहुत ही अजीब खबर आ रही है, जहां पर दिल्ली में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में भाग लेने के बाद कोरोना वायरस से संक्रमित होने के संदेह में उत्तर प्रदेश के बिजनौर के जिला अस्पताल के पृथक वार्ड में रखे गए इंडोनेशिया के 8 नागरिकों सहित 13 लोगों ने अस्पताल में हंगामा किया और अंडे एवं बिरयानी की फरमाइश की। सीएमएस ज्ञान चंद्र ने बताया कि जिला अस्पताल के पृथक वार्ड में रखे गए 8 इंडोनेशियाई और 5 भारतीय तबलीगी जमात सदस्यों के ने सफाई कर्मी से बदतमीजी की और अंडा करी एवं बिरयानी की मांग की। उन्होंने बताया कि इन लोगों की फरमाइश जब पूरी नहीं की गई तो उन्होंने हंगामा किया। हालांकि इस संबंध में सूचना मिलने पर डीएम रमाकांत पांडे, एसपी संजीव त्यागी और सीएमओ विजय यादव ने अस्पताल पहुंचकर इन लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। तो दोस्तों एक तो इन लोगों का इलाज किया जा रहा, ऊपर से इन लोगों को अंडा बिरयानी चाहिए। आपको क्या लगता है, इन लोगों को अंडा बिरयानी के बजाय क्या मिलना चाहिए, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, यहाँ पर ऐसे ही बढ़ते रहे कोरोना के मामले तो मुसीबत में आ जाएगी दिल्ली सरकार, खत्म होने की कगार पर पीपीई किट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली से खबर आ रही है कि राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। निजामुद्दीन में हुए तबलीगी जमात कार्यक्रम में आग में घी डालने का काम किया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने केंद्र से मदद की गुहार लगाई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि शुक्रवार रात दिल्ली में कोरोना वायरस के 386 मरीज थे, इनमें से 259 मरकज के हैं, मतलब 67% लोग एक ही जगह से हैं, बाकी पूरी दिल्ली के 33% मरीज हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 2 दिन से कोई नया मरीज तो नहीं आया है, लेकिन रिपोर्ट आ रही है, आज भी काफी लोगों की रिपोर्ट आनी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सबसे ज्यादा दिक्कत पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट की है, हमें हमारे स्टॉक में लगभग 7 से 8 हजार ही किट बचे हैं और इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, अगले 2 से 3 दिन का ही स्टॉक है। उन्होंने कहा कि हमने 50,000 पीपीई किट अर्जेंस बेसिस पर मंगवाए हैं और अगर यही हालात रहे तो दिल्ली सरकार मुसीबत में आ जाएगी और सरकार खत्म होने की कगार पर आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस खबर के बारे में, तो आगे जरूर बताइएगा। चलते आगे अगली खबर की तरफ, जहां पर दिल्ली में दुकान का शटर तोड़कर कई पेटी शराब कर ली गई है चोरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के 11वें दिन दिल्ली और एनसीआर में शराब की दुकानों से शराब चोरी की घटना सामने आई है। दिल्ली की एक दुकान का शटर तोड़कर चोर कई पेटी शराब चुरा कर ले गए। वहीं नोएडा में भी शराब की दुकान में चोरी की कोशिश की गई। चलते हैं एक और बड़ी और जरूरी खबर की तरफ, जहां पर 15 अप्रैल से चलेंगी अधिकांश ट्रेनें। रेलवे ने ड्राइवर गार्ड और टीटीई को भेजा है टाइम टेबल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जिस खबर के लिए आप लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था वो खबर आपके सामने है। आपको बता दें कि रेलवे ने 21 दिन के लॉकडाउन के बाद आगामी 15 अप्रैल से अधिकांश यात्री ट्रेन चलाने के लिए कमर कस ली है। इसके तहत शुक्रवार को रेल प्रशासन ने ड्राइवर गार्ड स्टेशन मैनेजर व अन्य कर्मचारियों को ट्रेन का टाइम टेबल भी भेज दिया है। रेलवे बोर्ड ने सभी 17 जोनल रेलवे से रद्द ट्रेन को चलाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इसके तहत उत्तर रेलवे ने 244 ट्रेन का टाइम टेबल संबंधित रेल अधिकारियों व कर्मचारियों को भेज दिया है। उत्तर रेलवे के पास 77 रैक तैयार ट्रेन खड़ी है। प्रशासन ने परिचालन से जुड़े ड्राइवर, सहायक ड्राइवर, गार्ड, टीटीई, स्टेशन मैनेजर आदि को आगामी 15 अप्रैल से ट्रेन चलाने के आदेश जारी कर दिए हैं। रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया 80% से अधिक ट्रेन को चलाने के आदेश दिए गए हैं। इसमें सभी राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, सुपरफास्ट मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन शामिल हैं। अधिकारी के मुताबिक कमोबेश सभी 17 जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों ने अपने यहाँ से चलने वाली ट्रेन तैयार कर ली है। ये ट्रेन 14 अप्रैल रात 12 बजे के बाद पटरियों पर दौड़ने लगेगी। लंबी दूरी के अलावा जरूरत के अनुसार लोकल और पैसेंजर ट्रेन को भी चलाया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि 21 दिन के लॉकडाउन के बाद रेल प्रशासन ट्रेन चलाने के लिए मुस्तैद है, इसके लिए केंद्र सरकार से हरी झंडी का इंतजार है। उन्होंने बताया 13,524 ट्रेन में से 3,695 लंबी दूरी की मेल एक्सप्रेस ट्रेन है। केंद्र सरकार कोरोना के मद्देनजर यदि कम संख्या में ट्रेन चलाने के लिए
कहेगी तो इसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि रेलवे स्टेशनों पर और ट्रेन में चढ़ते समय महामारी रोग अधिनियम का पालन किया जाएगा। इसमें यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर अन्य जरूरी उपाय शामिल होंगे। इसके अलावा 21 दिन के लॉकडाउन के बाद स्टेशनों पर उमड़ने वाली भारी भीड़ से निपटने के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। तो दोस्तों ये न्यूज रेलवे की तरफ से आ रही थी, जिन्होंने 15 अप्रैल के बाद ट्रेन चलाने की बात कही है। और दोस्तों ये कोई फेक न्यूज या कोई ये बोगस न्यूज नहीं है, ये हम आपको बकायदा वेबसाइट की न्यूज दिखा रहे हैं। आपको हमने स्क्रीनशॉट भी दिखाया है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि न्यूज है पूरी पूरी, कोई फेक नहीं है, बकायदा लाइव हिंदुस्तान का न्यूज है ये जो दिखा रहे हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी इसको फेक न्यूज कहने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों ये न्यूज बड़ी खुशी की खबर है, तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों भाई बंधुओं में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि उनको भी इस बात का पता चले और समझ में आए ट्रेन के बारे में कि क्या हिसाब किताब है। और आप लोग कितने खुश है जरूर लिखकर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लिख के चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आप लोगों को ट्रेन के अलावा अब प्लेन और फ्लाइट के बारे में भी आपको बता दें, जहां पर एयर एशिया इंडिया 15 अप्रैल से शुरू करेगी टिकटों की बुकिंग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सस्ती उड़ान सेवा देने वाली प्रमुख कंपनियां एयर इंडिया 15 अप्रैल से टिकटों की बुकिंग करेगी। हालांकि कंपनी ने कहा है कि यह नागर विमानन नियामक DGCA के इस संबंध में किसी नए दिशा निर्देश नहीं आने पर निर्भर करेगा। कोरोना वायरस के सामुदायिक फैलाव को रोकने के लिए देश में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर 14 अप्रैल तक रोक है, इसलिए अधिकतर विमानन कंपनियों ने 15 अप्रैल के बाद की बुकिंग करना शुरू कर दिया है। हालांकि शुक्रवार को एयर इंडिया ने 30 अप्रैल तक बुकिंग नहीं लेने की घोषणा की थी। एयर एशिया ने PTI भाषा से शनिवार को कहा कि यात्री 15 अप्रैल के बाद की यात्रा टिकट बुक कर सकते हैं। हालांकि इसमें नागर विमानन महानिदेशालय DGCA के किसी नए निर्देश के बाद बदलाव हो सकता है। नागर विमानन सचिव प्रदीप सिंह खरोला ने बृहस्पतिवार को कहा था कि विमानन कंपनियां 14 अप्रैल के बाद टिकट बुक कर सकती हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना, 14 अप्रैल के बाद से आप फ्लाइट की भी बुकिंग कर सकते हैं। तो कृपया करके इस न्यूज को जरूर शेयर कीजिएगा, और ये कोई फेक न्यूज नहीं, आपको हम बार बार बता रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? अगर तनिक भी महत्वपूर्ण खबर लगा हो और अच्छी लगी हो बात हमारी, तो जरूर इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय हिंद। धन्यवाद।